आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। कवर्धा से जुड़ी है ये बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर चट्टान से जा टकराई है। इस हादसे में 15 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। 6 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। कुकदूर थाना क्षेत्र के आगरपानी घाटी की ये घटना है, जहां पर ये हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। 15 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं और घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से 6 यात्री ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी हालत काफी गंभीर है। सूर्या हमारे संवाददाता इस वक्त और ज्यादा अपडेट्स के साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। सूर्या, इस एक्सीडेंट के बारे में जानकारी लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले ये बताएं घायलों की हालत कैसी बताई जा रही है। 6 यात्री हैं जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। देखिए, पूरा बस हादसे में आपको अपडेट बता दूं कि अब तक 25 से अधिक लोग इस बस हादसे में जो है घायल हो चुके हैं, जिसमें से 9 लोगों की जो हालत जो है काफी गंभीर हो गई है। यह बस जो है पक्षीराज बस है, मध्य प्रदेश से कवर्धा की ओर आ रही थी। इसी दौरान कुकदूर थाना के आमा जो आगरपानी है उस घाटी के पास यह अपना नियंत्रण पे काबू नहीं कर पाया, जिसके चलते मोड़ पर यह बस जो है चट्टान में जाकर टकरा गई और इस पूरे हादसे में 25 लोग घायल हुए, जिसमें 9 की हालत गंभीर है। फिलहाल इन 9 जो गंभीर है उन्होंने कुकदूर के सामुदायिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। बाकी अन्य जो घायल है उन्हें भी प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि पूरे बस हादसे में जो बस के चालक थे उसकी लापरवाही खुलकर सामने आई है। स्पीड काफी तेज थी, जिसके चलते वह मोड़ पर अपना नियंत्रण पर काबू नहीं कर पाया, जिसके कारण ये पूरा हादसा हुआ है। जी, ओवर स्पीडिंग की वजह से ये बड़ा हादसा इस वक्त हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हैं। चिंता की बात ये भी है सूर्या कि इसमें कई बच्चे भी शामिल हैं, कई बच्चे और कई महिलाएं हैं जो जिनकी हालत भी खराब बताई जा रही है, जो घायल हैं अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। निश्चित तौर पर, क्योंकि इस बस में महिला और बच्चे भी थे बड़ी संख्या में, और ज्यादातर जो घायल है उनमें बच्चे और महिलाएं ही शामिल है। ऐसे में कहीं ना कहीं बस के जो चालक है, कंडक्टर है, उसकी लापरवाही है। जो बस में यात्रीगण बैठे हुए थे उन्होंने भी काफी बस चालक को टोका था कि ज्यादा स्पीड में ना चलाए, क्योंकि जो यात्री थे वे काफी डर रहे थे। और आखिरकार यह पूरा हादसा बस चालक की लापरवाही के चलते ही होना बताया जा रहा है। लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सूर्या इस जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए हम आपके पास लौटेंगे। रुख अगली खबर का करते हैं, उज्जैन से जुड़ी अगली बड़ी खबर है। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, 3 शवों को बाहर निकाल लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है जिला अस्पताल। उज्जैन के मताना गांव की यह घटना है, जहां पर तालाब में डूबने की वजह से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। फिलहाल आपको बता दें, 3 बच्चों को, इन 3 बच्चों के शवों को निकाल लिया गया है बाहर। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, 3 शवों को बाहर निकाला गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है जिला अस्पताल। उज्जैन के मताना गांव की यह घटना है। एक बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है, जहां पर ये एक बड़ा हादसा हुआ है। तालाब में डूबने की वजह से 3 बच्चों की जान चली गई है। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 3 शवों को बाहर निकाल लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए इन 3 शवों को भेजा गया है। उज्जैन के मताना गांव की ये घटना आपको हम बता रहे हैं। आशीष इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बेहद दर्दनाक हादसा, इस घटना के बारे में आपसे अपडेट्स लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, उज्जैन के देवास रोड स्थित मताना गांव हैगा, जहां पर बच्चे 3 युवक जो हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर तालाब में नहाने के लिए गए थे, जिसके दौरान उनकी मृत्यु होना सामने आया, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था और इसलिए बच्चों को जो है दोस्त से और कई बच्चे थे, लेकिन कुछ बच्चों को निकाल लिया गया, लेकिन 3 बच्चे जो है वहाँ पे तैरना नहीं आने के कारण उनके पेट में पानी भरा गया और उनके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया उनकी लाश निकालने के लिए पुलिस द्वारा। उसके बाद ग्रामीण उनको जिला चिकित्सालय उज्जैन लेकर पहुंचे, जहां पर उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। जी आशीष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।